हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह मौजूद हैं, जिनमें से 4 ग्रह ऐसे हैं जो पूरी तरह से गैस से बने हैं, यानी उनके अंदर कोई सरफेस मौजूद नहीं है। इनमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून शामिल हैं। और वहीं मून्स की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में करीब 180 मून मौजूद हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहे हैं। पर यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि इन 180 मून्स में से कोई भी गैसियस मून नहीं है। और यह सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम की बात नहीं है, अभी तक हमारे अंतरिक्ष में की गई खोजों में कई गैसियस प्लैनेट्स मिल चुके हैं, पर एक भी गैसियस मून हमें नहीं मिला है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या गैसियस मून मौजूद हो सकते हैं। और अगर गैसियस मून मौजूद हो सकते हैं तो अभी तक हम किसी गैसियस मून को क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं? और क्या होता अगर हमारा अपना चंद्रमा गैसियस मून होता? तो आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने वाले हैं। यूनिवर्स में दो तरह से किसी प्लैनेट और चंद्रमा का निर्माण होता है, जिनमें पहला है गैस और दूसरा है चट्टाने, यानी छोटे छोटे आकार के एस्टेरॉयड। हमारे यूनिवर्स में कई गैस के बड़े बड़े बादल मौजूद हैं, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। इन गैस के बादलों से ही यूनिवर्स में स्टार्स, प्लैनेट्स और मून्स का निर्माण होता है। पर कई बार यूनिवर्स में घूमते एस्टेरॉयड्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक जगह इकट्ठा होने के कारण भी प्लैनेट्स और मून्स का निर्माण होता है। हमारे मून का निर्माण भी इन्हीं चट्टानों के चलते हुआ था। हमारे सोलर सिस्टम में 4 प्लैनेट चट्टानी हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, और बचे 4 प्लैनेट गैसियस हैं, जिन्हें हमारे सोलर सिस्टम के गैस जाइंट प्लैनेट भी कहा जाता है। पर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद करीब 180 चंद्रमा में से एक भी गैस से नहीं बना है, या फिर कहूं कि शायद हम अभी तक ऐसे किसी मून को ढूंढ नहीं पाए हैं। पर यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि हम अभी तक अपने ही सोलर सिस्टम में मौजूद किसी गैसियस मून को ढूंढ नहीं पाए हैं, क्योंकि हमने अपने सौरमंडल में काफी खोज की है। नासा द्वारा भेजे गए वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे स्पेसक्राफ्ट ने लगभग हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी प्लैनेट्स और उनके मून्स के बारे में जानकारी हासिल की है। इसके अलावा नासा द्वारा भेजे गए जूनो स्पेसक्राफ्ट के जरिए तो हमारी सौरमंडल में मौजूद मून्स पर नासा ने काफी रिसर्च की है, पर हमारी खोज में हमें कहीं भी हमारी सोलर सिस्टम में कोई गैसियस मून नहीं दिखा। हमारी सोलर सिस्टम में किस ग्रह के पास कितने चंद्रमा हैं? मून को किसी ग्रह की नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है। प्लैनेट्स के अपने चंद्रमा का निर्माण इनके चारों ओर घूमने वाली गैस और धूल के कणों से होता है। हमारे सौरमंडल में सैकड़ों मून मौजूद हैं, जिसमें सैटर्न के पास 82 मून्स, जुपिटर के पास 79 मून्स, यूरेनस के पास 27 मून्स, नेपट्यून के पास 14 मून्स, मार्स के पास 2 मून्स और हमारी पृथ्वी के पास एक चांद है। वर्तमान समय में शनि ग्रह के पास सबसे अधिक 82 चांद हैं। बुध और शुक्र के पास अपना कोई भी चांद नहीं है। इसका कारण इनका सूर्य से सबसे अधिक पास होना तथा इनकी कम ग्रेविटी को माना गया है। वैसे हमारे सौरमंडल में और भी कई मून्स हैं, जो हमारे सौरमंडल में मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट्स को ऑर्बिट कर रहे हैं, पर हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों में से किसी के भी पास गैसियस मून नहीं है। आखिर क्यों हमारे सोलर सिस्टम में कोई गैसियस मून मौजूद नहीं है? वैसे इसका मुख्य कारण वैज्ञानिकों द्वारा ग्रेविटी को बताया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि शुरुआती समय में चंद्रमा भी गैस और चट्टानों के रूप में होते हैं, यानी अगर कोई गैसियस मून मौजूद भी होगा तो वह सिर्फ कुछ लाख सालों तक ही अपने गैसियस आकार में बना रह सकता है, जिसके बाद धीरे धीरे उसके गैस पार्टिकल्स और पास आते जाएंगे और फाइनली वह एक चट्टानी मून में बदल जाता है। हमारी चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ? हमारी पृथ्वी के शुरुआती समय में इसके पास कोई चांद मौजूद नहीं था, पर करीब 400 करोड़ साल पहले पृथ्वी से एक मंगल ग्रह के आकार जितना एक प्लैनेट टकराया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी के कई हिस्से टूटकर पृथ्वी से अलग हो गए और पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगे। यह उस समय दिखने में एक रिंग की तरह थे, जैसे सैटर्न प्लैनेट के पास अपना रिंग है। पर हमारी पृथ्वी का यह रिंग ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया और ग्रेविटी के कारण उस समय मौजूद सभी एस्टेरॉयड धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगे और सभी ने मिलकर एक गोल ऑब्जेक्ट की शक्ल ले ली, जिसे आज हम चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन चंद्रमा की ही देन है, क्योंकि चंद्रमा से पहले पृथ्वी का अपने एक्सिस पर रोटेशन बहुत तेज था, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का रोटेशन स्टेबल नहीं था,
जिसके चलते हमारी पृथ्वी पर हमेशा अर्थक्वेक आते ही रहते थे और लगभग हर समय वोल्केनिक इरप्शन होते रहते थे। पर मून के निर्माण के बाद मून की ग्रेविटी से पृथ्वी का एक्सिस रोटेशन धीमा और स्टेबल हुआ। पृथ्वी पर आने वाले अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन की संख्या में कमी आई और पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर का जन्म हुआ। अब चलिए जानते हैं कि क्या होता अगर हमारी पृथ्वी का मून एक गैसियस मून होता। नो अपोलो मिशन। दोस्तों, आपने इतिहास में 1969 के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार मून पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग ह्यूमन हिस्ट्री में वह पहले इंसान थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। इस मिशन को अपोलो मिशन का नाम दिया गया था, जो नासा द्वारा किया गया था। पर अगर हमारा मून गैसियस मून होता तो उसके ऊपर जमीन का कोई नामो निशान ही नहीं होता और बिना किसी जमीन के हम मनुष्य कभी शायद अपोलो मिशन ना कर पाते। यानी अगर पृथ्वी का मून गैसियस मून होता तो अपोलो मिशन कभी हुआ ही नहीं होता। चेंज इन मून साइज। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हमारे मून के मास जितना कोई ऑब्जेक्ट गैस का बना होगा तो उसका आकार हमारी पृथ्वी के बराबर होगा। यानी हम अपने आसमान में एक पृथ्वी के ही जितने बड़े मून को देख रहे होंगे। वैसे चंद्रमा का आकार यहाँ पृथ्वी के जितना होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसकी ग्रेविटी भी बढ़ जाएगी। इसकी ग्रेविटी पहले जितनी ही होगी, क्योंकि मून का टोटल मास अभी भी पहले जितना ही होगा। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार गैसियस मून से बने मून का निर्माण और उसके आसपास मौजूद तापमान उसके वजन और अन्य कॉस्मिक फोर्सेस पर निर्भर करता है। तो गैस से बने इस मून का हमारी पृथ्वी पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सनलाइट। अगर हमारी पृथ्वी को ऑर्बिट करने वाला चंद्रमा पृथ्वी के आकार का हो जाए तो अब हमारी पृथ्वी के आसमान का ज्यादातर हिस्सा यह पूरी तरह से कवर कर चुका होगा, जिसके कारण दिन के समय भी हमारी पृथ्वी पर रात की तरह अंधेरा छाए रहेगा, क्योंकि सूर्य से आने वाले प्रकाश का करीब 90% भाग यह बड़ा चंद्रमा रोक लेगा और अंतरिक्ष में यह गैसियस चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच एक दीवार की तरह बन जाएगा, जिसके कारण बिना सनलाइट के हमारी पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे बिना फोटोसिंथेसिस के धीरे धीरे मरने लगेंगे। पेड़ पौधों में आई इस भारी कमी के चलते हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन में कमी आने लगेगी, जिसके कारण हमें इंसानों को सांस लेने में परेशानी होगी, या फिर ज्यादातर इंसान तो शायद इतनी कम ऑक्सीजन में भी सांस नहीं ले पाए। इतना ही नहीं, बिना सनलाइट के पृथ्वी का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और पृथ्वी पर इस तरह के हालात होंगे जैसे कोई आइस एज हो। इसके अलावा पेड़ पौधे न होने के कारण मनुष्य के लिए खाने की भी भारी कमी देखने को मिलेगी। यानी अच्छा ही है कि हमारा मून गैसियस नहीं है। बिग सी वेव्स। जैसा कि हम जानते हैं कि मून की ग्रेविटी का हमारी पृथ्वी के महासागरों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और मून की ग्रेविटी के कारण ही समुद्रों में लहरें पैदा होती हैं। पर अगर हमारी चंद्रमा का आकार हमारी पृथ्वी के बराबर होता तो हमारे समुद्रों पर भी इसकी ग्रेविटी का काफी असर देखने को मिलता, जिसके कारण हमारे समुद्रों में आने वाली लहरों का आकार आज की तुलना में काफी बड़ा होता, जिसके कारण आज जो शहर हमारे समुद्र के किनारे पर मौजूद हैं, शायद वह समुद्र के अंदर मौजूद होते और हमारी पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ होता। चेंज इन द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी के रोटेशन स्टेबल हुए हैं, पर अगर हमारा मून गैसियस होता तो इसकी ग्रेविटी इस तरह से वर्क नहीं करती जिस तरह से आज वह पृथ्वी पर वर्क कर रही है। यानी गैसियस मून के पृथ्वी के ऑर्बिट में मौजूद होने से पृथ्वी की रोटेशन आज भी पहले की तरह अनस्टेबल होती, या फिर कहूं कि शायद उससे भी बेकार होती। पृथ्वी के दिन छोटे होते और साल बहुत लंबे होते। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर आज भी बड़े बड़े अर्थक्वेक आते रहते और जगह जगह पर वोल्केनिक इरप्शन होते रहते। यानी हमें ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारा मून गैसियस नहीं है, वरना शायद आप और मैं इस पृथ्वी पर मौजूद ना होते। नो फ्यूचर मिशन ऑन मून। आपने कुछ समय पहले नासा के बयान में सुना होगा कि नासा मून पर ही ह्यूमन मिशन को करना चाहती है, जिसमें इंसानों को मून पर बेस बनाने के लिए भेजा जाएगा और वे सभी एस्ट्रोनॉट एक लंबे समय तक मून पर रहेंगे, रिसर्च करेंगे और हीलियम 3 की माइनिंग भी करेंगे, जो कि हमारी पृथ्वी पर लगभग ना के बराबर मौजूद है और फ्यूचर में यूज होने वाला फ्यूल ऑप्शन बन सकती है, क्योंकि इसकी बहुत कम मात्रा बहुत ज्यादा ग्रीन एनर्जी देती है। यानी इसमें पॉल्यूशन नहीं निकलता। पर अगर हमारा मून पूरी तरह से गैस से बना होता तो हम शायद कभी इस पर ह्यूमन बेस बनाने के बारे में नहीं सोचते और हीलियम 3 के बारे में तो भूल ही जाइए। ट्रबल इन स्पेस रिसर्च।
जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे टेलीस्कोप स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सी को देखने के लिए अंतरिक्ष से आ रही लाइट का यूज करते हैं, पर अगर हमारी चंद्रमा का आकार हमारी पृथ्वी के बराबर होता तो यह पृथ्वी पर आने वाली ज्यादातर अंतरिक्ष की लाइट को रोक देता, यानी स्पेस में मौजूद तारों और ग्रहों को हम नहीं देख पाते और शायद आज भी हम अपने ही सोलर सिस्टम के कई प्लैनेट्स और मून्स के बारे में नहीं जान पाते, क्योंकि पुराने समय में जब इन प्लैनेट्स और मून्स की खोज हुई थी तब हमारी टेलीस्कोप और दूरबीन भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, और ऊपर से अगर हमारे आसमान में पृथ्वी जितना बड़ा चंद्रमा होता तो इन सब को ढूंढ पाना कभी पॉसिबल नहीं होता। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के प्रमुख जोनाथन लोनिन ने कहा कि इसकी बड़ी अच्छी वजह है कि हमारे आसपास कोई गैसियस मून नहीं है और हमारे सौरमंडल में अभी तक कोई ऐसा गैसियस मून नहीं मिला है, क्योंकि हमारे सौरमंडल की स्थितियां शायद उनके अनुकूल नहीं है, या यूं कह लें कि ये हमारे अनुकूल है, यानी इंसानों और अन्य ग्रहों के हिसाब से सही है, यानी दोस्तों अच्छा ही है। शायद हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में कोई गैस से बना चंद्रमा नहीं है, और अगर बात करें हमारे सौरमंडल की तो शायद कभी ना कभी तो हमारे सौरमंडल में गैस से बने चंद्रमा भी रहे होंगे, पर वे सभी अब चट्टानी बन चुके हैं। दोस्तों क्या आपको लगता है कि हमारे ब्रह्मांड में गैस से बने चांद हो सकते हैं? हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।